जय हिंद। चलिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना यानी सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है रीडर, है ना, उसका जो है पीटी हो गया है, मेंस हो गया है, मेंस यानी रिटन एग्ज़ाम टेस्ट, और उसका रिजल्ट का इंतज़ार है। मैं इस वीडियो का जो है रिजल्ट क्या आज आएगा या नहीं आएगा उसका अपडेट दूंगा, ठीक है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं अपडेट दूंगा उस रिजल्ट के बारे में रीडर का, यानी कोर्ट कम डिपोजिशन राइटर जो रीडर का पोस्ट है उस पोस्ट का रिजल्ट जारी करना है, जिसका जो है आप सभी को पता है कि स्किल टेस्ट जो है डेट जारी कर दिया गया है पहले से ही, ठीक है। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, स्टेनोग्राफर का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट ने रिटर्न पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो जो है जाकर आप स्किल टेस्ट 8/5 यानी 8 मई को इसका एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड सीपीटी टेस्ट होना है और टाइपिंग टेस्ट, तो उन सभी के लिए जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है वेबसाइट से जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, या टेलीग्राम से जुड़कर, है ना, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर सासाराम शॉर्ट हैंड क्लास तो भी आ जाएगा, ठीक है। यह लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं बात करूँगा जो है रीडर के बारे में, ठीक है। रीडर का रिजल्ट क्या आज जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप इसका पता है कि आप लोग का जो टाइपिंग टेस्ट है रीडर का, है ना, डिपोजिशन राइटर का, उसका टाइपिंग टेस्ट जो है 9 मई और 10 मई को उसका स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट मींस टाइपिंग टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश। यदि कोई भी दिक्कत है आप लोग का जो है टाइपिंग में, फॉन्ट कौन सा लेगा, हिंदी में किस फॉन्ट पे लिया जाएगा, है ना, क्या वर्ड हाईलाइट होगा नहीं होगा, सारे वीडियो बना दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो है रीडर का कि रिजल्ट आज अपडेट होगा या नहीं होगा, तो मैं फाइनली बता दूँ, सूचना अभी तो कैसा मिला है कि रिजल्ट आज पब्लिश किया जाएगा दोपहर, है ना, या शाम तक जो है, रात रात तक आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 99% पॉसिबिलिटी है कि आज रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। मैं रिजल्ट का अपडेट दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका जो रिजल्ट आज जारी किया जाएगा, है ना, 99% आज, है ना, बिल्कुल जारी किया जाएगा। नहीं अगर किया जाता है रातों रात ही तक किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा, और कल एडमिट कार्ड जो है कल एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। जो टेस्ट है 9 तारीख को होना है और 10 तारीख को उसका एडमिट कार्ड कल आएगा, किसका, रीडर का, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, तो नोटिफिकेशन जो है ऑन रखेंगे, यानी सब्सक्राइब करके, यदि न्यू है या पहले से जो कोई ना नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया है तो उसको आइकन को ऑन करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो का सूचना या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो आप लोग तक पहुंच जाता है, ठीक है। या कम्युनिटी में भी जाकर वहां सूचना दे दिया जाता है, वहां भी से दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, फाइनली आज रिजल्ट जारी किया जाएगा रीडर का, रिटन टेस्ट का क्वालिफाई रिजल्ट जारी किया जाएगा, कोई मेरिट नहीं बनाएगा। रिजल्ट जो है कम से कम जो है 5000 यानी 5000 से लेकर 6000 तक रिजल्ट आ रहा है ना, 5000 कम से कम रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग जो है तैयार रहिए, टाइपिंग टेस्ट करते रहिए, है ना, आज रिजल्ट जारी है होगा, कोई सूचना मिला हुआ है, आज जारी हो जाएगा रिजल्ट, और आज रिजल्ट जारी होगा तो आप लोग का जो है कल जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो जैसा सूचना आप लोग का आता है आप लोग को जरूर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी करते रहें, है ना, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेहतर टाइपिंग करिए, क्योंकि अच्छा स्किल लाना है उसमें, मेन जो है टाइपिंग ही आपका है, उसके बाद जो है जो रिटन टेस्ट का मेरिट बनाएगा तो बनाएगा एग्ज़ाम पे, जो रिटन टेस्ट आप देकर आए हैं। पीटी से कोई मतलब नहीं, पीटी क्वालिफाई हुए उसके बाद अब रिटन टेस्ट दिए, रिटन टेस्ट का रिजल्ट होगा, जो 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, है ना, तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग रिजल्ट देकर अपना जो है एडमिट कार्ड कल डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपना एग्जाम देंगे 9 और 10 को स्किल टेस्ट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना है 30 और 40 का, है ना। कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट पे जरूर बताएंगे, मैं उसके अनुसार जो है आप लोग को वीडियो लाऊंगा, उसका सूचना तुरंत रिप्लाई दिया जाता है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताएं। उम्मीद है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, कोई भी सूचना जो है यहाँ से दिया जाएगा, है ना, सबसे पहले अपडेट किया जाता है। आप लोग जरूर जुड़े चैनल से, ठीक है, सबसे पहले फास्ट जो है जैसे ही सूचना आएगा आप लोग को दे दिया जाएगा, चैनल से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा,
जो है बाकी कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। आज रिजल्ट फाइनली जारी किया जाएगा, आप लोग बेहतर तैयारी करिए, टाइपिंग समय कम है, ठीक है, टाइपिंग का। उसके बाद जो है इंटरव्यू है बाद में होगा, जब रिजल्ट आप लोग का जारी किया जाएगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट जब क्वालिफाई हो जाएंगे ना उसके बाद जो है आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा 10 मार्च का, जो 10 मार्क्स का होना है ना, उसके बाद जो है फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग तैयारी करिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही आता है आपको रिजल्ट, आप लोग को अपडेट किया जाएगा, चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, वीडियो के शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा ये कोई वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग को अपडेट कर दें कि रिजल्ट आज जारी होगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों का वेट था, मैसेज बहुत सारे आया हुआ है, तो मैं सोचा कि मैं वीडियो का अपडेट दे देता हूँ। तो आज रिजल्ट जो है आएगा, 99% आएगा रिजल्ट आज, आप लोग तैयारी करिए, है ना, जैसे ही आता है आप लोग को सूचना तुरंत देंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। धन्यवाद, बाकी कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।